वेल दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कपूर परिवार की एरोगेंट लेडी बट मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस करीना के बारे में। बॉलीवुड की मोस्ट ग्लैमरस मॉम करीना कपूर खान, जो कि ट्रेंड सेटर भी कहलाती हैं, प्रेगनेंसी को ट्रेंड मिलाने से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में मां बनने के बाद सुपर एक्टिव रहने की वजह से करीना हमेशा सुर्खियों में रही हैं। यहाँ आपको हमारे इस रिपोर्ट में हम बताना चाहेंगे कि कैसे करीना कपूर खान एक बार नहीं दो बार ब्लॉकबस्टर फिल्म छोड़ चुकी है संजय लीला भंसाली की, उन्हें रिजेक्ट किया है। जी हाँ, इंटरव्यू में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर रामलीला के रिजेक्शन के बारे में भी करीना कपूर खान ने एक बार बताया और उन्होंने खुलकर कहा कि पहले वो इस फिल्म का हिस्सा थी लेकिन बाद में उन्होंने ये फिल्म छोड़ दिया। जी हाँ, करीना कपूर खान ने खुद से ही क्रू की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए लोगों को चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि दीपिका इस फिल्म में जब आई उस वक्त वो फिल्म का हिस्सा नहीं थी, पहले दीपिका की जगह करीना को चुना गया था। करीना ने कहा, मैं लक पर विश्वास करती हूँ और मेरा मानना है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होना है वो किसी भी चीज़ के ज़रिए होगा। आगे करीना ने कहा, सब कुछ सितारों में लिखा है और सब कुछ हर किसी के लिए नहीं लिखा है। पहली बार नहीं था करीना ने भंसाली के साथ काम करने से मौका छोड़ा हो, इससे पहले भी वो देवदास फिल्म के लिए, जी हाँ देवदास फिल्म के लिए साइन की गई थी लेकिन बाद में देवदास करने से उन्होंने मना किया था। करीना को पारो का किरदार मिला था, ऐश्वर्या का किरदार, और इस किरदार के लिए ऐश्वर्या तैयार भी हो गई थी। फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट देने के बावजूद संजय लीला भंसाली ने अचानक उन्हें रिप्लेस कर दिया था। उन्होंने फिल्म को करने से तब मना किया था। 2002 में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो संजय लीला भंसाली के साथ कभी नहीं काम करेंगी क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो किया वो बहुत गलत था। देवदास के लिए स्क्रीन ट्रस्ट उनका हुआ, साइनिंग अमाउंट उन्हें मिले फिर भी उनको हटाया गया, वो गलत था। इसमें उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्हें अपने करियर की शुरुआत करते हुए देखा जाए तो जिम के लिए अलग से ड्रेस निकालना और अपने लाइफ को अलग तरीके से मेंटेन करना आसान नहीं था। संजय लीला भंसाली ने उन्हें छोड़ा था, यादें साइन उन्होंने की थी, संजय ने उन्हें काफ़ी हर्ट किया था। उनके पास कोई काम भी नहीं हुआ तो भी वो कभी भी संजय के साथ काम नहीं करेंगी, इतनी ज़्यादा वो संजय लीला भंसाली से नफरत करती, उन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट 9 लाइव सिर्फ एक रिपोर्ट।